निद्रा में बड़े सारे स्वप्न आते हैं, कुछ सुखद, कुछ दुखद, कुछ अत्यंत भयानक। और सत्य कहूँ तो इन पे हमारा कोई वश नहीं। किंतु कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो खुले नेत्रों से स्वप्न देखते हैं, उन्हें जीते। अपनी एक भिन्न स्वप्न नगरी होती है उनकी, उसमें जीवन जीते। वास्तविकता क्या है इससे उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास अंश मात्र ज्ञान नहीं है, जो कि ठीक है, किंतु ज्ञान इस प्रकार देते हैं कि ऐसा लगता है संसार का सारा ज्ञान इन्हीं के पास है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रेम करना नहीं आता, और वो भी ठीक है, किंतु बातें ऐसी करते हैं ऐसा लगता है मानो प्रेम के विषय में सब कुछ इन्हें ही तो ज्ञात है। अब मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि आप ऐसा करते हैं, किंतु यदि कोई है जो ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को यह स्मरण रखना चाहिए कि वो व्यक्ति किसी और के साथ नहीं, स्वयं के साथ अनुचित करना है। क्योंकि ऐसा करने से वो अपने दोष, अपने दुर्गुण संसार से नहीं, स्वयं से छिपा रहा है। आप स्वयं को समझेंगे नहीं, पूर्ण रूप से स्वयं का आकलन करेंगे नहीं, अपने दुर्गुण, अपने दोष आप स्वयं समझेंगे नहीं, तो ये कैसे समझेंगे कि स्वयं को सुधारना कैसे है? आपको स्वयं के सत्य को स्वीकारना होगा, तत्पश्चात ही आप स्वयं को सुधार सकते हैं। तो स्वप्न में नहीं, सत्यता में जी, आनंद में जी, और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे।